अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के साथ एक और केक की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे वनीला फ्लेवर केक। आप देखेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है। तो आइए इस केक को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। केक बनाने के लिए हमने एक बड़े बोल में 3 एग व्हाइट ले लिए हैं। इसे अभी अच्छे तरीके से बीट करना है। तो सबसे पहले हम इसे लो स्पीड से बीट करना शुरू करेंगे। एग व्हाइट में काफी फोम आ चुका है तो अब हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर हमें एक साथ नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। हमने यहाँ पे 90 ग्राम शुगर का यूज किया है। स्पीड को हमने हाई कर दी है और अब इसमें बाकी बची हुई चीनी भी डाल दी और सॉफ्ट पीक आने तक इसे हम बीट कर लेंगे। तो ये देखिए सॉफ्ट पीक आ चुके हैं। तो अब हम इसमें 3 एग योक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम बीटर हटा देते हैं। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे छान के। हमने यहाँ पे 80 ग्राम मैदा यूज किया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए। तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें बाकी चीजें डालते हैं। हमने इसमें डाला है 2.5 टेबल स्पून ऑयल, 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस, चुटकी भर नमक और 6 टेबल स्पून दूध डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है हमें। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने एक केक टिन लिए, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, उसमें पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। अब इसमें हम बैटर डाल देंगे। और इसे इस तरीके से टैप करेंगे ताकि जितने भी बबल्स हैं वो खत्म हो जाए। और अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 से 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो ये केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। हमने एक ठंडा बोल लिया जिसमें कुछ आइस क्यूब डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरा ठंडा बोल रख देंगे। इसमें हम क्रीम को व्हिप करेंगे। तो अब हम इसमें 1 कप नॉन डेयरी व्हिप क्रीम डाल देंगे। सबसे पहले हम इसे लो स्पीड पे बीट करना शुरू करेंगे। तो क्रीम जो है वो काफी फोमी हो गई है। अब हम स्पीड को हाई कर देंगे और स्टिफ पीक्स आने तक इसको अच्छे से बीट करेंगे। नॉन डेयरी क्रीम में हमें शुगर नहीं डालनी पड़ती क्योंकि उसमें पहले से ही शुगर रहती है। ये देखिए रिबन बनने लगा है। तो हमारी जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे एक बार फिर अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसका यूज करेंगे। तो स्पंज केक पूरे तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम इस केक की 3 लेयर कट कर लेंगे, बराबर बराबर काटेंगे। हमने एक केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर केक की एक लेयर लगा दी है। अब हम इसको शुगर सिरप से कोट करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में शुगर सिरप यूज करें। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगा देंगे, इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे।
अब इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रखेंगे, इसको भी शुगर सिरप से कोट करेंगे। इसके ऊपर भी हम क्रीम लगा देंगे। क्रीम को अच्छे से फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम केक की तीसरी लेयर लगाएंगे, शुगर सिरप से इसे भी कोट करेंगे अच्छे से। और इसके ऊपर भी हम अच्छे से क्रीम लगा देंगे। केक के टॉप पे हमने क्रीम लगा दी, अब इसे साइड से भी क्रीम से कवर कर देंगे। अब इसे स्मूथ करना है तो सबसे पहले हम ऊपर से स्मूथ करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसे हटाते जाएंगे। अब स्क्रैपर की हेल्प से इसका साइड से भी स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए हमने केक को अच्छे तरीके से क्रीम से कवर कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हमने केक को निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम क्रीम और लगाएंगे और इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर करेंगे, फैला लेंगे इसे, साइड में भी लगा लेंगे। केक की साइड में हमने थोड़ी ज्यादा क्रीम लगाई है क्योंकि हम इस तरह के कॉम्ब से इसको स्क्रैप करेंगे, तो 45 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट इसे रखेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से स्क्रैप करेंगे। इससे केक की साइड में बहुत ही अच्छा डिजाइन आता है। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसे हटाते जाएंगे। ये देखिए केक की साइड में कितना अच्छा डिजाइन आया है। तो अब हम केक को ऊपर से भी स्मूथ कर लेते हैं। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हमने थोड़ी सी क्रीम में कुछ बूंदे रेड कलर की डाल दी थी और हमने पिंक शेड का क्रीम तैयार की है, इसकी हम लाइन बनाएंगे। तो अब इसमें हम डायमंड शेप देते हुए लाइन बनाएंगे। अब हम व्हाइट क्रीम से स्टार बना लेंगे केक के टॉप पे। इसी तरीके से हम केक के बॉटम पे भी स्टार बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्टार बना लिया है। अब हम पिंक क्रीम से हर स्टार के सेंटर में एक एक ड्रॉप बनाएंगे। सेम इसी मेथड से हम बॉटम में भी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से बना लिया है। अब हमारे पास कुछ स्प्रिंकल है स्टार शेप में, तो इसको अब हम इस तरीके से सजा देंगे। आप अपने पसंद से केक को जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हर तरफ हमने स्टार के स्प्रिंकल को इस तरह से लगा दिया है। तो लीजिए हमारा वनीला फ्लेवर केक बनके तैयार है। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसकी साइड भी देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब इस केक को कट कर लेते हैं। तो आप इस केक की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। या आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप इसे बनाइए, खुद भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।